जानी मानी टीवी एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट खतरनाक बीमारी से संक्रमित हो गई हैं। इस बात की जानकारी एक्ट्रेस ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दी है। एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर अपने फैंस को बताया कि उन्हें खतरनाक बीमारी के लक्षण नहीं है और वो बिल्कुल ठीक है। उन्होंने लिखा, डाउन हूँ लेकिन आउट नहीं हूँ। हाँ, ये सच है, बीमारी ने दस्तक दी है और मुझे पकड़ लिया, लेकिन बता दूं कि मुझे कोई लक्षण नहीं है और मैं पूरी तरह ठीक महसूस कर रही हूँ। इसलिए जो लोग भी परेशान हैं, चिंता करें, प्लीज मत घबराइए। उन्होंने आगे लिखा, मैं क्वारंटाइन हूँ और खूब खा पी रही हूँ, फिर से एक्शन में आने का इंतजार कर पा रही हूँ। एक्ट्रेस ने आगे लिखा, ये एक बमर है लेकिन वादा है कि सिर्फ छोटी सी रुकावट ही है, मजबूती से बेहतर तरीके से उभरने के लिए सिर्फ एक ठहराव है। सभी का दुआओं के लिए शुक्रिया, लेकिन बीमारी मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। जल्द लौटूंगी, हग्स और किसेस के साथ विदा ले रही हूँ। यह बेहतर होगा कि मैं ये इस वक्त ना करूँ। अपनी प्यारी सी मुस्कान और अदाओं से खूबसूरत एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट सभी एक्ट्रेसेस को सीधा टक्कर देती हैं। जेनिफर विंगेट की खूबसूरती पर उनके फैंस कायल हैं। सोशल मीडिया के जरिए वो अपने फैंस से जुड़ी रहती हैं और अपनी फोटो पोस्ट करती हैं। खूबसूरती के अलावा जेनिफर ने अपनी एक्टिंग के दम पर भी लोगों का दिल जीता है। सभी शो में उन्होंने बेहतरीन एक्टिंग की है। अगर आप इस एक्ट्रेस को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। कुछ दिनों पहले ही एक्ट्रेस सिस्टी रोडे ने अस्पताल से एक वीडियो शेयर किया था कि उनकी सर्जरी हुई है और अब कुछ दिनों से अस्पताल में वो भर्ती भी हैं। उस खबर ने फैंस के होश उड़ा दिए थे। अब सृष्टि रोडे अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुकी हैं और रिकवर कर रही हैं। इस बीच सृष्टि ने वीडियो में जो दिखाया उसे देखकर उनके फैंस के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। जैसे सृष्टि के पीठ पर टाके आए हैं, उनके निशान साफ दिख रहे हैं। सृष्टि रोडे ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो पेट पर आए टाके दिखा रही हैं। सृष्टि रोडे ने अब तक ये तो नहीं बताया कि आखिर उनकी सर्जरी किस लिए की गई है, लेकिन वो अपने इन टाकों को बड़े ही गर्व से दिखाती नजर आ रही हैं। इस वीडियो को शेयर कर सृष्टि ने साथ में एक कैप्शन भी लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें अपने इन जख्मों पर गर्व है। सृष्टि रोडे ने लिखा, मैं अभी बेड रेस्ट पर हूँ और टाके लगे हुए, परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने इन जख्मों से बहुत प्यार है, वापसी करने की कोशिश हो रही है। आप सभी के प्यार और शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सृष्टि रोडे के इस वीडियो पर फैंस खूब प्यार बरसा रहे हैं और जल्दी उनके ठीक होने की कामना कर रहे हैं। कुछ दिन पहले सृष्टि रोडे ने अस्पताल से सर्जरी के पहले का वीडियो भी इंस्टाग्राम पर शेयर किया था जिसमें वो मरीज के कपड़ों में बिस्तर पर लेटी हुई नजर आ रही थी। वीडियो में सृष्टि ने नीचे लिखा था, सर्जरी के लिए जाने के ठीक पहले 5 दिन हो गए, अभी भी मैं अस्पताल में हूँ लेकिन ठीक हो रही हूँ, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वर्क फ्रेंड की बात करें तो सृष्टि रोडे 2018 से एक्टिंग से दूर हैं और उस साल वो इश्कबाज बिग बॉस 12 में नजर आई थी। सृष्टि रोडे ने साल 2007 में टीवी से अपने करियर की शुरुआत की थी। तो एक्ट्रेस की इस वीडियो पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। टीवी एक्ट्रेस और बिग बॉस 12 फेम सृष्टि रोडे बीते 6 दिनों से अस्पताल में भर्ती हैं। यही नहीं, उनकी सर्जरी भी हुई है। सृष्टि ने खुद ये चौंकाने वाला खुलासा किया और फैंस के साथ हेल्थ अपडेट शेयर किए। सृष्टि के फैंस के लिए ये खबर इसलिए भी चौंकाने वाली है क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी भी इस बारे में कोई बात नहीं की। सृष्टि ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वो अस्पताल में मरीज के कपड़े पहनकर बिस्तर पर लेटी हुई देखी गई थी। सृष्टि ने वीडियो में कुछ कहा तो नहीं, लेकिन वो मास्क के पीछे मुस्कुरा रही हैं और हाथ से शांति का चिन्ह बना रही हैं। रविवार को शेयर किए गए इस वीडियो में नीचे सृष्टि ने खुलासा किया कि वो 5 दिनों से अस्पताल में भर्ती हैं और कुछ दिनों पहले ही उनकी सर्जरी हुई है। सोमवार को अस्पताल में उनका 6ठा दिन है। हालांकि उन्हें क्या समस्या और उनकी क्यों सर्जरी हुई है इसको लेकर कोई जानकारी नहीं आई है। दिलचस्प बात यह है कि इस बीच सृष्टि लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, लेकिन उन्होंने अपनी तबीयत को लेकर किसी को भी भनक नहीं लगने दी है। अब चिंता की बात यही है कि या तो सृष्टि बहुत ज्यादा सीरियस है इसको लेकर वो किसी को बता नहीं पा रही है, जरूर किसी न किसी बड़ी बीमारी की शिकार भी हो सकती है। वीडियो में नीचे सृष्टि लिखती है, सर्जरी के लिए जाने से ठीक पहले 5 दिन हो गए, अभी भी अस्पताल में हूँ लेकिन ठीक हो रही हूँ, शुभकामनाओं की जरूरत है। सृष्टि रोडे ने बिग बॉस 12 में देश का दिल जीता था। वो टीवी पर इश्कबाज, छोटी बहू, शोभा सोमनाथ, पुनर्विवाह, चलती का नाम, गाड़ी जैसे शोज में नजर आ चुकी हैं। सृष्टि ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 2007 में कुछ इस तरह सीरियल से की थी। बताया जाता है कि जल्दी वो बड़े पर्दे पर स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म गबरू गैंग से डेब्यू करने वाली हैं।
ये फिल्म पतंगबाजी के ऊपर आधारित है, तो आप भी सृष्टि रोडे के लिए दुआएं करिए। टीवी की मशहूर अदाकारा और बिग बॉस 12 की कंटेस्टेंट रही सृष्टि रोडे को उनके क्यूट अंदाज और उनके फैशन के लिए बहुत पसंद किया जाता है। बिग बॉस से सृष्टि के फैन फॉलोइंग भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और ऐसे में फैंस भी उनसे जुड़ी हर एक खबर पर नजर रखते हैं। लेकिन आज का सूरज उगने से पहले ही सृष्टि को लेकर एक ऐसी खबर आई कि लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। जैसा कि आप जानते कि इस वक्त किसी न किसी स्टार की बीमारी की रिपोर्टें सामने आ रही है कि अब सृष्टि रोडे भी बीमार चल रही हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। सृष्टि ने अपनी हेल्थ अपडेट साझा की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक छोटा सा वीडियो साझा किया है जिसमें वो अस्पताल के बेड पर लेटी हुई हैं। इस वीडियो के जरिए उन्होंने अपने फैंस को अपना हालचाल बताया है। वीडियो को डालते हुए इसके साथ सृष्टि ने लिखा, सर्जरी के लिए जाने से ठीक पहले 5 दिन हो गए हैं, लेकिन मैं अभी भी अस्पताल में हूँ। आप सबके प्यार से रिकवर हो रही हूँ। आप सबके ढेर सारे प्यार के लिए शुक्रिया। हालांकि सृष्टि की किस चीज की सर्जरी हो रही है इस बारे में अभी पता नहीं चला है। सृष्टि रोडे के इस वीडियो के सामने आने के बाद फैंस अपनी इस पसंदीदा एक्ट्रेस के लिए चिंतित भी हो गए हैं और सोशल मीडिया पर सृष्टि के जल्दी ठीक होने की दुआएं कर रहे हैं। उनसे बार बार पूछ भी रहे हैं कि आपको क्या हुआ है। एक यूजर ने सृष्टि की पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा, आप जल्दी ठीक हो जाइए, मैं आपके लिए चिंता कर रहा हूँ। क्या हुआ, भगवान आपके साथ हमेशा रहेंगे। अपना ध्यान रखिए, पूरी एनर्जी के साथ घर लौट कर आइए, पहले की तरह स्वस्थ हो जाइए क्यूट छोटी सी सृष्टि। तो वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, आप जल्दी ठीक हो जाओ, मैं आपकी रील्स बहुत मिस कर रहा हूँ। सृष्टि रोडे कई बड़े शोज का हिस्सा रह चुकी हैं। उन्होंने साल 2007 में टीवी से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। वो कई फेमस शोज में नजर आ चुकी हैं। सृष्टि को छोटी बहू शोभा सोमनाथ की पुनर्विवाह, एक नई उम्मीद, चलती का नाम, गाड़ी, इश्कबाज जैसे शोज में सृष्टि रोडे नजर आ चुकी हैं। लेकिन उन्हें टेलीविजन में सबसे ज्यादा रियलिटी शो बिग बॉस से पहचान मिली, जहां सृष्टि का एक नया रूप सामने आया। सृष्टि टीवी अभिनेता मनीष नागदेव के साथ रिश्ते में भी रह चुकी हैं। सृष्टि और मनीष लगभग 3 साल तक रिलेशनशिप में रहे और लंबे वक्त तक एक दूसरे को डेट करने के बाद साल 2017 में इनका ब्रेकअप भी हो गया था। हालांकि बिग बॉस से निकलने के बाद सृष्टि ने मनीष संग अपना रिश्ता खत्म कर लिया था। मनीष ने बताया था कि उनसे मिलकर नहीं बल्कि फोन पर ही उनका रिश्ता खत्म कर दिया गया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया था और अपनी फीलिंग्स फैंस को बताई थी। मनीष बनू मैं तेरी दुल्हन, हम लड़कियां, बेगुसराय जैसे शोज में काम कर चुके हैं। मनीष और सृष्टि के ब्रेकअप की वजह एक्टर रोहित सुंचाली को भी माना जाता है। दरअसल रोहित और सृष्टि बिग बॉस के एक ही सीजन के कंटेस्टेंट रहे थे। इन दोनों की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया था।